नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राइसन और राइसन्स गैराज में आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सुजुकी एक्सेस का कार्बोरेटर कैसे क्लीन करते हैं। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके प्यार की मुझे अभी ज़रूरत है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और आप भी मुझे बोलिए आपको वीडियो कैसे चाहिए और कैसे वीडियो आपको पसंद है, या कोई रिपेयर वीडियो आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि वो करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए राइसेंस गैरेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए रिपेयर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये रहा हमारा कार्बोरेटर। आपको ये दोनों स्क्रू निकालने हैं, बाद में ये दो स्क्रू और इधर एक स्क्रू है वो निकालना है। तो पहले मैं ये इंजन को अटैच है वो पाइप के स्क्रू निकालूंगा। अभी आपको ये फिल्टर के पास रिंग रहता है वो लूज़ करना है। अभी ये रबर जो है वो थोड़ा पुश करके आपको ये कार्बोरेटर बाहर खींचना है। ये गैसकेट जो है वो ध्यान से रखिए, बाद में फिर से बिटाते समय आपको वो चाहिए। अभी ये आपका कार्बोरेटर बाहर निकला। अभी आपको और तीन कनेक्शन छोड़ने हैं, आपको एक्सेलरेटर केबल, चोक केबल और ये पेट्रोल लाइन का पाइप बाहर निकालना है। पेट्रोल का लाइन बाहर निकाल के साइड में रखिए। अभी इधर मैं एक्सेलरेटर का केबल निकाल रहा हूँ, ये दो स्क्रू निकाल के एक्सेलरेटर का केबल बाहर निकलेगा। अभी ये निकला आपका एक्सेलरेटर केबल कनेक्शन, इसको निकाल के आप साइड में रखिए। ये आपको ये चोक केबल निकालना है और ये निकला चोक केबल। तो ये हमारा कार्बोरेटर जो बाइक से अभी कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, अब हम इसको क्लीन करेंगे। अभी गाड़ी से थोड़ी पेट्रोल निकालिए और एक पेंट ब्रश लेके आपको पहले बस के बाहर क्लीन करना है, ताकि ये बाहर की डर्ट जो है वो अंदर ना जाए। बाहर पहले अच्छे तरह से पेट्रोल से क्लीन कीजिए, बाद में हम इसको खोलेंगे। पेट्रोल से धोने के बाद आपको इसको थोड़ा पोंछना है, पोंछ के ड्राई कीजिए। अभी ये मेरा बाहर क्लीन करके हो गया। अब आपको इधर के ये चार स्क्रू निकालने हैं। इधर पेपर डाल के आपको पेपर के ऊपर क्लीनिंग करना है, ताकि जो और कोई डर्ट जो है वो कार्बोरेटर के अंदर ना जाए। अब मैं ये चारों स्क्रू निकालूंगा। ये खुल गया हमारा कार्बोरेटर। अभी आपको एक एक पार्ट जो हम कार्बोरेटर से निकालेंगे वो अच्छी तरह से सेफ किधर एक बॉल में पेट्रोल डाल के उसमें डाल के रखना है। अभी इधर देखिए ये कितना अंदर धूल जमा हुआ है, एक लेयर जैसा। ये पिन निकाला है मैंने, ऐसे सब मैं जब निकालूंगा वो साइड में रखते ही जाऊंगा। ये निकला पाइप और अभी मैं ट्यूनिंग स्क्रू जो है वो निकालूंगा। ऐसा एक एक करके सब स्क्रू निकालते जाइए और साइड में रखते जाइए, लेकिन ध्यान रहे आप
आपको इसे खोना नहीं चाहिए, आप इसे ध्यान से किधर सेफ जगह पे रखें। अभी ये पार्ट जो निकला है वो किधर से निकला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके नीचे एक स्प्रिंग भी रहता है। अभी ये फ्लोट को हम निकालेंगे, ऐसा प्रेस करके ये पिन बाहर निकालिए, और पिन बाहर निकालने के बाद ये फ्लोट आराम से बाहर आएगा। अभी हम चौक के असेंबली को बाहर निकालेंगे। इसको पहले आपको लूज़ करना है एक स्पैनर से। और ये निकला हमारा चोक असेंबली। अब ये मेरे सब पार्ट्स डिसमेंटल करके हो गए हैं। अब मैं इसे पेट्रोल से साफ करने को चालू करूँगा। अभी जितने भी पार्ट्स आपने निकाले हैं वो सब पेट्रोल में सोक करने के लिए पेट्रोल में डाल के रखें, ताकि उसका जब जो धूल है उसमें जमा हुआ वो सब सॉफ्ट होके बाहर निकलेगा। अभी मैं इधर पेंट ब्रश लेके इसको क्लीन करने को चालू करूँगा। अभी ये अच्छी तरह से क्लीन करना है, कोई भी डर्ट इधर रहना नहीं चाहिए। इतना खोला है तो अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। ऐसा आप अभी थोड़ा पेट्रोल इस पाइप में डालिए, ताकि वो जो कुछ भी अंदर है वो बाहर आ सके। जो धूल है, मिट्टी है अंदर, वो ऐसा पेट्रोल डालने से बाहर आएगी। अभी छोटे छोटे आइटम्स है, पिंस है, वो सब आप एक एक करके ब्रश से अच्छी तरह से क्लीन करिए। इनको बारीक बारीक होल्स रहते हैं, वो होल्स में आप हवा मारिए। आप मुंह से भी हवा मार सकते हैं, या आपके पास कंप्रेसर है तो उससे भी हवा मार सकते हैं। तो थोड़ा वो हवा मार के वो होल्स थोड़ा ओपन कीजिए, ताकि उनमें कुछ डर्ट नहीं है। और
इधर क्लीन करके हो गया, अभी मैं ग्लव्स भी सब निकालूंगा और असेंबल करने को चालू करूंगा। मैंने बोला था आपको बाद में बताऊंगा वो पार्ट किधर से आया है। ये देखो, ये इधर अंदर से आया है, इसके नीचे एक स्प्रिंग भी रहता है और बाद में इसके ऊपर ये स्क्रू लगेगा। अभी एक एक करके जैसे आपने निकाला था वैसा ही सब वापस डालिए। अभी ये पाइप डालिए और हमारा कार्बोरेटर क्लीनिंग हो गया। अब हम इसे वापस बाइक पे फिट करेंगे। इधर मैं अभी चोक का केबल जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ। इसे चोक का केबल पहले कनेक्ट कीजिए। अभी इधर ये वापस ये गैसकेट लगाइए और अंदर स्लाइड कीजिए पूरे कार्बोरेटर को। अभी इधर फ्लोट पाइप कनेक्ट कीजिए। अभी ये रिंग को स्क्रू डाल के ये टाइट कीजिए। अभी इंजन का पाइप जो है वो कनेक्ट कीजिए। अभी आप एक्सेलरेटर केबल का कनेक्शन दीजिए।
और लास्ट में आपको ये पेट्रोल टैंक का कनेक्शन इधर देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए। तब तक आपका ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।